भारत ने अत्यधिक डिफेंस हथियारों को डेवलप करने में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है और भारत जिस रफ्तार से हथियारों को डेवलप कर रहा है उसे देखकर दुनिया हैरान है। देखिए DRDO के वैज्ञानिक एक कमाल के हथियार को विकसित करने जा रहे हैं जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर हथियार होगा। इसका इस्तेमाल करते हुए हाई एनर्जी लेजर बीम के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल या किसी भी अन्य हथियार को बिजली की रफ्तार से उड़ाया जा सकता है। और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत ने स्वदेशी लेजर वेपन्स को भी डेवलप करके एक बार फिर से दुनिया को हैरत में डाल दिया है। दरअसल भारत ने दुर्गटू नाम के लेजर वेपन सिस्टम को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है और भारत के इस लेजर वेपन्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल जैसे देश भी भारत की दुर्गटू लेजर वेपन्स की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही इजराइल ने यह भी कह दिया कि इस तरीके के खतरनाक हथियार अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश नहीं बल्कि भारत ही तैयार कर सकता है। देखिए भारत डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है और भारत उन देशों में शामिल हो चुका है जिनके डिफेंस हथियार खरीदने के लिए दुनिया के कई देश डील फाइनल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी तक भारत के पास ऐसा कोई हथियार मौजूद नहीं था जो लेजर की तकनीक पर काम करते हैं और जब से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक चारों तरफ लेजर डिफेंस की चर्चाएं ही चल रही हैं। क्योंकि लेजर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा हथियार है जिसने ईरान से इजराइल में आने वाली सभी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में से 99% मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि लेजर वेपन्स के अलावा किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा 99% बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर पाना मुश्किल है। इसीलिए इजराइल के बाद लेजर वेपन्स किन किन देशों के पास मौजूद है। इजराइल के बाद इसमें दूसरा नंबर UK का है जिसके पास लेजर वाले डिफेंस हथियार मौजूद है। UK के अलावा अमेरिका ने भी लेजर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है। देखिए पिछले लगभग 2 सालों से भारत की DRDO ने लेजर वेपन्स बनाने पर काम कर रही, लेकिन अब DRDO को पूरी तरह सफलता मिल चुकी है और DRDO ने दुर्गटू लेजर डिफेंस सिस्टम को बनाकर तैयार कर लिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में स्वदेशी तौर पर बनाई जा रही दुर्गटू नामक लेजर डिफेंस सिस्टम में वह तकनीक मौजूद है जो कि इजराइल, UK और अमेरिका के लेजर डिफेंस सिस्टम में नहीं है, क्योंकि भारत की दुर्गटू लेजर डिफेंस सिस्टम को दूसरे देशों के लेजर सिस्टम से अलग बनाती है वह है इसकी लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी। इसको ऐसी तकनीक पर बनाया गया है जिससे लेजर के द्वारा फायर करने पर सबसे कम कॉस्ट लगता है। यानी एक्सपर्ट के मुताबिक एक टारगेट को हिट करने के लिए जो इसकी कीमत है वह केवल $3 के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का आयरन डॉग सिस्टम एक बार में लगभग $1,000 का खर्च करता है और अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक बार में $15 से $20 खर्च करता है और UK के एयर डिफेंस सिस्टम में $10 का खर्च बैठता है। और इसीलिए भारत के द्वारा डेवलप की जा रही दुर्गटू लेजर डिफेंस सिस्टम की सराहना दुनिया के लगभग सभी देशों में हो रही, क्योंकि भारत के द्वारा डेवलप की गई ये लेजर वेपन से कई टारगेट को कम से कम कॉस्ट में हिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें।